तो आप में से बहुत लोगों ने यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर कहीं पर भी आप फोटो देखे होंगे इस तरह का, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस तरह का 3D फोटो जो भी मैंने बनाया, अपने मेरे फ़ोन में भी चल रहा है किस तरह से मैंने अपने फ़ोन में इस तरह का फ़ोटो वगैरह बनाया है। आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से अलग अलग तरीके का यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। सो गाइस, अगर आप भी अपने फ़ोन से कुछ इस तरह का प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप भी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके अपने फ़ोन से कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको जैसे 3D फोटो आप अपने फ़ोन से बना सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है जुलू उमर, आप देख रहे हैं टेक्निकल अपने चैनल को। चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ताकि आप भी अपने फ़ोन से प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग कर पाएँ। तो आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारा आपको कमाल कमाल तरीके का यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन, जो कि आप अपने फ़ोटो में लगा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से करना क्या है, अपने फ़ोन से जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले ही किस तरह से आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है, ताकि आप भी अपने फ़ोन से कुछ प्रोफेशनल तरीके का फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो आप में से बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिसके कारण कि आप अपने फ़ोन में कुछ प्रोफेशनल तरीके के वीडियो नहीं बना पाते होंगे। तो आपको यहाँ से पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से मोटिनेल ऐप आपको यहाँ सर्च कर देना है, जिससे कि आप अपने फ़ोन में कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से कर लेंगे उसको ओपन। इसके बाद आपको कुछ परमिशन को इसमें अलाउ करना होता है, जब आपको बारी बारी से मैं बताऊँगा किस तरह से अपने फ़ोटो वगैरह को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ सीधे आपको स्क्रॉल कर देना है, इसके बाद आपको कर देना है यहाँ इस पर क्लिक। सो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट पे कुछ इस तरह का मतलब ऑप्शन, रिचार्ज वगैरह बोलेगा करना है, तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। सो गाइस, कैंसिल करने के बाद आपको देखते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो अगर आप अपने फ़ोटो वगैरह को या वीडियो भी इसमें एडिट कर सकते हैं, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ से इसको पहले बैक कर देना है, इसके बाद आपको कुछ जब इस तरह का मतलब इंटरेस्ट होगा आपको यहाँ से बैक कर देना है। सो गाइस, बैक करने के बाद आपको जैसे आपको न्यू क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको कर देना है इस पर क्लिक, जिससे कि आप अपने फ़ोटो वगैरह को बना सकते हैं मतलब वीडियो वगैरह में। तो आपको वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना है किस तरह से आपको इसमें फ़ोटो वगैरह बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया फर्स्ट में प्रोफेशनल तरीके से। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं कोई फ़ोटो पहले कर लूँगा सिलेक्ट यहाँ से, जैसे मैं आपको, तो आपको कर देना है इस पर क्लिक। सो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है परमिशन का अलाउ। अलाउ करने के बाद यहाँ से मैं कोई फ़ोटो कर लूँगा सिलेक्ट, जैसे मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर कर लिया है सिलेक्ट। तो यहाँ देखते हैं आपको मिल जाएगा स्काई का ऑप्शन, मतलब यहाँ से बादल वगैरह आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में कोई बादल वगैरह मतलब फ़ोटो वगैरह है उषा वाला, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी तरीके से अलग तरीके का आपको यहाँ पर सेव मतलब करने को मिल जाएगा आपको एडिटिंग। तो मेरा भी नॉर्मली फ़ोटो है सेल्फी वाला, तो यहाँ से मैं कोई भी दिखाता हूँ आपको मतलब इमेजिंग वाला यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ देखते हैं कुछ मतलब इस तरह का मिल जाएगा इफेक्ट वगैरह। यहाँ से आप बहुत तरह का इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको प्ले करके। सो देखते हैं आपको कुछ मतलब इस तरह का मतलब मिल जाएगा इसमें ऑप्शन। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, यहाँ से मतलब बारिश वाला भी मिल जाएगा आपको, इस पर करिएगा क्लिक तो आपको कुछ इस तरह का मतलब हो जाएगा इसके मतलब बैकग्राउंड को। यहाँ से पहले मैं दिखाता हूँ इसको मतलब इरेज करके, मैंने बादल वाला यहाँ नॉर्मली इसको कर देता हूँ। उसके बाद आकर जान जाएंगे यहाँ से इफेक्ट पर, यहाँ देखते हैं यहाँ से आपको मतलब फ़ोटो वगैरह से यहाँ कुछ मतलब इस तरह का मतलब निकलते रहेगा, जैसे होता है ना हवा के जैसे यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से आप बहुत अलग अलग तरीके का इसमें ऑप्शन दिया गया है, जो कि मेरे पास अभी फ़ोटो वगैरह नहीं है, तो मैं आपको दिखाता किस तरह से इसमें प्रोफेशनल तरीके से फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसमें मतलब अलग तरीके का इसको कर देंगे सिलेक्ट, यहाँ से इसको ऊपर कीजिएगा तो यहाँ से नीचे से आएगा, इसको इधर कीजिएगा तो यहाँ से ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर की ओर मतलब निकलेगा। तो इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया गया है, यहाँ से इसके सेकेंड भी यहाँ से लगा सकते हैं, इसको साइज वगैरह को भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ आगे इसमें क्या क्या मतलब सेटिंग दिया गया है, यहाँ से क्या मिल जाएगा। यहाँ से इस पर करेंगे क्लिक तो यहाँ से आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, जो कि आप अपने फ़ोटो में लगा सकते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड करना होता है, आप इसको अपने गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको फ़ोटो में भी डाउनलोड आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ से थोड़ा वेट कर लेना है, एड वगैरह आ जाएगा, कहते हैं आपको कुछ कुछ इस तरह से मतलब मिल जाएगा, इसको मतलब साइज को बड़ा या छोटा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कुछ मतलब इस तरह से कर देना है इसको, इसके साइज़ को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो यह हो गया फर्स्ट वाला, इसको अब यहाँ से बैक कर देंगे, ये मेरा फ़ोन में मतलब फ़ोटो में सेट हो गया है। यहाँ से आपको मिल जाएगा इस पर करना है क्लिक, यहाँ से आपको मतलब मिल जाएगा बादल वगैरह वाला मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया तितली वगैरह वाला, आपके फ़ोटो में कुछ इस तरह से मतलब देखते हैं मतलब तितली वगैरह यहाँ से देखते हैं मेरे स्क्रीन पर भी चल रहा है। इसमें बहुत सारा मतलब फंक्शन दिया गया इस एप्लीकेशन को यूज करके आप अपने फ़ोटो वगैरह को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लास्ट वाला मैं दिखाता हूँ, इस पर जाकर के यहाँ से आपको देखते हैं आपको फ़ोटो मतलब 3D में मतलब इधर से उधर आपके स्क्रीन में होते रहेगा। तो
इसको अपने फ़ोन में कैसे सेव करना है आपको कर देना है इस पर क्लिक एक्सपोर्ट पर, तो यहाँ से आपको कर देना है इस पर क्लिक। सो गैस क्लिक करने के बाद आपको पहले अपना नेट को बंद कर लेना है, जो कि अपने नेट को अगर चालू कर रखे होंगे तो इसको पहले बंद कर देंगे, नहीं तो आपका फ़ोन में ये नहीं सेव हो पाएगा। यहाँ से कर देंगे पहले कैंसिल इसको, फिर से यहाँ से फिर से आपको दिखाता हूँ इस पर करना है क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आपको कर देना है इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऐड वगैरह आएगा, तो आपको यहाँ से ऐड को कर देना है कैंसिल, तो ये आपके फ़ोन में मतलब सेव हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे GF वाला आप कर देंगे क्लिक, तो यहाँ से अपने फ़ोन में मतलब सेव हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता रहे। सो गाइस मेरा नाम है जुलूम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट चैनल को। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अभी रात के 1 बजने वाला है, तो अभी वीडियो मतलब यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।